ओंकार भिलारे त्याच्या आघाडीला येत असताना पाहायला मिळतोय आणि त्याच्या साथीला आघाडीला येत असताना मैदानाच्या आतमध्ये जिथे कोल्हापूर वॉरियर्स साठी शुभमला आपण पाहतोय पहिला षडक मैदानाच्या आतमध्ये होईल प्रारंभ या दुसऱ्या मॅचला गोलंदाजी मार्कमध्ये गोलंदाज सज्ज होतोय लेफ्टाम वर्द विकेटने चांगला बॉल चांगल्या लेंथमध्ये टाकला परंतु एक चिकी सिंगल अर्जित करण्यात येते वेगाने फर्स्ट रन कम्प्लीट करण्यात आली आहे जिथे चांगल्या रीतीची रनिंग बिटून विकेट ताळमेळ चांगल्या रीतीने जुळत असताना पाहायला मिळालं कॉलिंग फार इम्पॉर्टन्स असतात पहिल्या टी ट्वेंटी मॅच मध्ये जिथे अफगाणिस्तानच्या अगेन्स आपण रोहित आणि शुभमन मध्ये झालेली ताळमेळ तितकंसा चांगली जुळली नव्हती ही एक चिकी सिंगल घेत असताना एक चांगल्या रीतीचा ताळमेळ पाहायला मिळालंय मैदानाच्या आतमध्ये बंटी खान चांगल्या दर्जाची गोलंदाजी पहिला बॉलने सुरुवात तर त्याने चांगल्या रीतीने केली आहे पुढचा बॉल वेगा ने टाकला बाहर सी नीचे कर चली विकेट कीपर के हाथों में। पर कर कट करने का प्रयास था बल्लेबाज का लेकिन पूरी तरह से नाकाम रहे अब बल्लेबाज शुभम बढ़ के कोल्हापुर वॉरियर्स अच्छी नीव यहां पर रखनी होगी प्रारंभिक बल्लेबाजों द्वारा यहां पर एक अच्छा स्टार्ट देना जरूरी होगा इस मुकाबले में कोल्हापुर वॉरियर्स के खिलाफ कोल्हापुर वॉरियर्स कि अगर सोच देखी जाय का मुकाबला पहिला ओवर बंटी खान अब तक बंटीचा बॉल ऑन फेस क्लोज होता ऑन स्ट्रोक साईडला क्षेत्ररक्षक होते त्या ठिकाणी एकेरी धाव प्राप्त होत असताना पाहायला मिळाले बंटी खानच्या अंदाजीमध्ये जिथे वेरिएशन आणि व्हरायटी पाहायला मिळाल्यात काही चेंडू फुलर लेन चे टाकले पहिले दोन आणि तद नंतर बॅक ऑफ दी हा गेंद पर थोडस फिंगर को रोल किया उंगलिया फेरी थी इस गेंद पर और गति को थोड़ा सा कम किया था इस गेंद पर शुभम के खिलाफ जबकि शुभम का यहां पर खाता खुलता हुआ दो गेंदों के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर दो रन तीन गेंद की समाप्ति हो चुकी है बॉल थे, थे। थरार नाट्य नाट्यमय वातावरण मैदान निर्माण के लिए बंटी खांचा या षटका ने प्रत्येक बॉल इधे एक एक दाव लड़वा ला है कारण एक एक चेंडू हा चेडू हागनी लेने आला है टीवी अंपायर की सहायता लेते हुए ऑन फील्ड अंपायर नीरज रणवत क्या गेंद उनके हाथों से छूटी थी ये यहां पर देखना होगा एक्सैक्ट जब गेंद हाथ में आई थी गेंद क्या नीचे गिरकर लगाई गई ये देखना होगा टीवी अंपायर को क्या गेंद उनके हाथों से छिटकी थी और ये काफी इंपॉर्टेंट कॉल होगा टीवी अंपायर के लिए टेक्नोलॉजी है तो शायद इसका इस्तेमाल करते हुए नजर आए नीरज रणौत एक अच्छा डिसीजन उनके द्वारा और हमारे टीवी अंपायर अब यहां पर चेक करेंगे सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स की पूरी टेक्निकल टीम उनके साथ डिसीजन पेंडिंग जबकि ये आज के रात का दूसरा मुकाबला चलता हुआ टीम कोल्लापुर वॉरियर्स ओ यू टी आउट बल्लेबाज आउट ये देखिए एक्शन रीप्ले अब एक अलग एंगल से दिखाया जाएगा ये देखिए फ्रंट एंगल जी हाँ गेंद हाथ में थी जब स्टम से जाकर टकराई और ये बल्लेबाज आउट राइट डिसीजन फ्रॉम टीवी एंपायर टेक्नोलॉजी का यहां पर इस्तेमाल करते हुए नीरज रणौत ओवन नंबर एक चलता हुआ और पहला झटका कोल्हापुर वॉरियर्स को आउट होने वाले बल्लेबाज ओंकार डॉमिनेट केलंय प्रत्येक फलंदाजाला जिथे वैविध्यतेने गोलंदाजी करत असताना बंटी खानने प्रत्येक चेंडू हा फलंदाजाच्या मनामध्ये काहूर माजवणारा राहिलाय अगदी त्याच वेळेला आपण पाहिलं ना तर वेगाने टाकले काही चेंडू काही चेंडू कमी गतीने परंतु चेंडू वळवण्यामध्ये तितकासा यशस्वी राहिलाय नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये येतोय प्रतीक पाटील मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना पाहायला मिळेल प्रतीक पाटील असे दोन खेळाडू एकाच नावाचे या संघाच्या दरम्यान पाहायला मिळतील

हा बॉल देखील पुढ्यात होता ड्रायविंग केला ऑन साईडला ऑन ड्राईव्ह करत असताना एक धाव निश्चितच प्राप्त होईल या षटकामध्ये जिथे आपण पाहिलं ना तर केवळ आणि केवळ धाबा आल्यात त्या तीन पहिलं षटक पावर होतं पावले पॉवरफुलच्या पावरलेच्या षटकाचा पॉवरफुल समाचार घेणं गरजेचं असताना केवळ तीन धावांचा हे षटक मॅचचा चा मोमेंटम शिफ्ट करून जाऊ शकते बंटीची चांगल्या रीतीची गोलंदाजी मॅच मध्ये पाहायला मिळाली आहे जप टॉस था तर अमन यादवने कहा हमारे पाच बंटी खान आहे और देखिए बंटी खान का यह पहला ओवर काफी बढ़िया रहा था इस टीम के लिए महज तीन रन एक विकेट इस ओवर में आया हालांकि वो विकेट पूरे टीम का था रन आउट के तौर पर बल्लेबाज ओमकार आउट हुए कोल्हापुर वॉरियर्स को पहला झटका यहां पर लगता हुआ कोल्लापुर रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक टीम यहां पर नजर आती हुई टीम यूपी योद्धाज यह भी यहां पर जरूर अच्छा प्रयास करेंगे जरूर अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास उनका होगा पहला ओवर जबकि बंटी खान का टीम के योद्धाच केली रहा शुभम यादवला पाचारण करण्यात आलं तिसऱ्या दुसऱ्या षटकाच्या दरम्यान पापलेच्या षटकामध्ये जिथे धावा आल्या केवळ आणि केवळ तीन बंटी खान वेग आणि वेग भन्नाट वेग त्याचा पाहायला मिळाला चेंडू वळवले जिथे यष्टी रक्षकाचे वेध घेणारे राहिले परंतु फलंदाजाला बॅकफुट वरती ढकललं होतं या गोलंदाजाने त्याच्या वेगाने फलंदाजाला चारी मुंढ्या चित केलं या दुसऱ्या षटकामध्ये काय वाढून ठेवलंय शुभम कशा दाटणीची गोलंदाजी करतोय शुभम यादवला पाचारण करण्यात आलं दुसऱ्या षटकाच्या दरम्यान एबीडी शुभम कशा दाटणीची गोलंदाजी करेल वरती यावेळेला बॅटर आहे तो पुन्हा एकदा शुभम खोलात टाकला उजयसीच्या बाहेर यॉकलीन पद्धतीने केली जाणारी गोलंदाजी पा प्रत्येक चेंडू काही ना काहीतरी दाभिन्य पूर्ण करण्याचा प्रयत्न दुसऱ्या गोलंदाजाने देखील केलाय हायम एक्शन बिल्कुल सटीक निशाने पर वाइड यॉर्कर का प्रयास शुभम यादव द्वारा यूपी एक्सप्रेस अब ट्रैक पर नजर आती हुई परफेक्ट यॉर्कर बाय शुभम यादव कोल्हापूरच्या बॅटर्सना केवळ आवाक होऊन पाण्यात योग्य काही राहिले नाही आहे या मॅचमध्ये जिथे सुरुवात तर चांगली पाडा मिळाली आहे वेगाने गोलंदाजी करण्यात आली हा बॉल देखील ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला पहिला दिवस या स्पर्धेचा फिरकीपटू गोलंदाजाने पुण्याच्या गोलंदाजांनी गाजवला परंतु या मॅचच्या जिथे आपण एकंदरीत पाहिलं ना तर युपी योद्धाचे तेज तर्रार गोलंदाजी करणारे गोलंदाज सध्याच्या गडीला फोलंदाजांना डॉमिनेट करतात कंधे का अच्छा इस्तेमाल यहां पर करते हुए गेंदबाज शुभम यादव जबकि पहली गेंद पर काफी तेज रखा था वाइड यॉर्कर का प्रयास दूसरी गेंद यहाँ पर यॉर्कर था फुल टॉस पर लेकर पर सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया बल्लेबाज शुभम ने शुभम अब तीन पर प्रतीक को यहाँ पर खाता खोलना होगा रन संख्या कोल्लापुर वॉरियर्स चार रन एक विकेट के नुकसान पर जबकि पारी का यह दूसरा ओवर चलता हुआ चार धावाधा फलका बॉल हाफ ट्रैक कर कट कर प्रयत्न एक गोलंदाज जेटे रीस ने वर करता बंटी खान गोलंदाजी के लिए परंतु यह षटका मे अपन शुभम लहत है खांद्यापर चांगला करते है तो पिछली दो गेंदों की तुलना में ये गेंद थोड़ी सी कम गति से डाली थी और ये इस बार ऑफ कटर का इस्तेमाल लेफ्टी बैटर के खिलाफ ये लेग कटर यानी कि लेग ब्रेक होती हुई बाहर चली गई और ये बिंदी गेंद आती हुई बॉल यावेळेचा खोला टी एस रक्षकाचा भेद घेतोय डॉट बॉल पुन्हा एकदा पाहायला मिळालाय फलंदाजांना कोणत्याही पद्धतीचे रूम्स दिलेले नाही आहेत सातत्य राखले गोलंदाजीमध्ये मध्ये वरायटी वेरिएशन मेहताब खान देखिए उनके चेहरे पर काफी खुशी यहां पर नजर आती हुई अच्छी गेंदबाजी यहां पर चलती हुई उनकी पूरी टीम मॅनेजमेंट यूपी योद्धाज जबकि पारी का यह दूसरा ओवर लेकर शुभम यादव अब यहां पर चमके गेंदबाजी में पुढचा बॉल बॅकफुटला हाफ ट्रॅकर होता कट करण्याचा प्रयत्न केला जिथे क्षेत्रक्षकाकडून चुकी झाली आहे झेल व्हायला हवा होता अशा रीतीचे कॅचेस घेणं गरजेचं राहणार आहे परंतु तिथे आपण पाहिलं ना तर हँड अँड आय कॉर्डिनेशन चांगलं नव्हतं बॉडी लँग्वेज तितकी चांगली नव्हती आणि म्हणून हकीमच्या हातून झेल निसटला आहे बैकफुट पर जाकर कटर का इस्तेमाल इसे कट करने का प्रयास और ये देखिए गली में यहां पर कैच छोटा हकीम द्वारा बैकअप यहां पर मिलता हुआ संख्या एक से आगे बढ़ेगी संख्या स्कोर बोर्ड पर पांच रन कोल्हापुर वॉरियर्स यहां पर वॉर करना होगा कोल्हापुर वॉरियर्स को योद्धास के खिलाफ खेलते हुए पुनः उज्जएसीच्या बाहेर बन्नाट वेगाने परंतु या वेळेला दिशाहीन चेंडू पाहायला मिळाला अवांतर स्वरूपामधून येणारी एकेरी धाव जिथे अवांतरच्या मदतीने धावसंख्येमध्ये भर पडत असताना पाहायला मिळते सहा धावा धाव फलका आहेत वाइड यॉर्कर का प्रयास ट्रॅम्प लाइन के बाहेर इस गेंद को किया था इस बार तेज रखने का प्रयास था वाइड यॉर्कर शुभम लेकिन इस बार थोडीशी गलती कर बैठे देखील खोलात टाकलाय अगदी आपण पाहतोय अनप्लेबल डिलिव्हरीज त्याच्याकडून सातत्यपूर्ण हाताळण्यात आल्या अर्थात एकंदरीत आपण विचार केला ना सात धावा धाव फलकावरती आहेत पहिल्या दोन षटकांचा खेळ संपुष्टात आलाय धावांसाठी धावा धाव मैदानाच्या आतमध्ये करावी लागणार आहे अच्छा रोका हकीमने आखरी गेंद को जबकि चाइनीस कट लेमन कट रूबी कट लेकर यह गेंद पीछे आई थी शॉर्ट फाइन लेग पर थे हकीम ओवर नंबर दो का खेल यहां पर समाप्त पहले ओवर में महज तीन रन दूसरे ओवर में महज चार रन लेकिन एक यहां पर वाइड बॉल के तहत रन आया था शुभम के इस ओवर में दो ओवर का खेल समाप्त कोल्लापुर वॉरियर्स सात रन एक विकेट के नुकसान पर गोलंदाजीचा ताफा ज्या पद्धतीने सुसज्जित करण्यात आला यूपी योद्धाच्या माध्यमातून कारण जिथे आपण पाहिलं ना मैदानाच्या आतमध्ये अंडर ट्वेंटी फोर चॅम्पियनशिपसाठी ते संपूर्ण आता आपल्या संघाचा फौजफाटा चांगल्या रीतीने सुसज्जित करून आल्या संपूर्ण भारतामधून येणारे प्रत्येक खेळाडू अगदी त्याच वेळेला राज्यस्तरीय जिल्हास्तरीय संघ या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना पाहायला मिळतात लीग स्वरूपामध्ये होणारे सामने इम्पॅक्ट प्लेअर या स्पर्धेच्या माध्यमातून दिला जातोय सहा सहा षटकांचे सामने पाहायला मिळाले त्यापैकी तिसरं षडक मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजी मार्कवरती बंटी खान पुन्हा एकदा सज्ज होत असताना पाहायला मिळतोय रिस चांगली आहे त्याच्याकडे व्हेरिएशन चांगले आहेत व्हरायटी चांगल्या रीतीची पाहायला मिळाल्या आहेत त्याच्या गोलंदाजीची नाना रूपे आहेत आणि त्यापैकी एक रूप आपण महिला षटकामध्ये पाहिलं मिस टाइमिंग राहिला पॉईंटच्या क्षेत्ररक्षक चिडू पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय एक धाव निश्चितच प्राप्त होत असताना पाहायला मिळाली आहे यावेळेला शुभमच्या बॅटमधून संघाची धावसंख्या संख्या आठ शॉर्ट कव्हर पर इस गेन को रोका गया वहां पर सिंगल के तहत स्ट्राइक को रोटेट करते हुए सिंगल के साथ रन संख्या स्कोरबोर्ड पर आठ रन एक विकेट के नुकसान पर कोल्हापुर वॉरियर्स बंटी खान की मैं प्रशंसा करूंगा पिछले ओवर में महज तीन रन पेवलिन से गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट आर्म सीमर बंटी खान अच्छी गेंदबाजी अब तक बंटी खान द्वारा बंटी पूछा बॉल और द विकेट ने फुलर लेनचा बॅचस्टिक कर दबला लागला इतका वेगाने हा बॉल होता ना जिथे आपण पाहिला ना तर फुलर लेनचा गुड लेन स्पॉट वडून राईज झाला होता परंतु मैदानाच्या आत मध्ये एक्स्ट्रा खभरला फंबल झाला त्याचा फायदा उचलला दोन्ही बॅट्सने संघाची धावसंख्या दोनने वाढरत असताना जाऊन पोहोचेल दहा धावा दाव फलकावरdiet चुरालीये दोन रनोंको इस बार बल्लेबाज प्रतीक पाटील ने दोन रनोंके सात रन संख्या मॅजिकल फिगर 10 पर 10 लॉस ऑफ 1 विकेट कोल्हापुर वॉरियर्स जबकि बंटी खान का ये दूसरा ओवर चलता हुआ अच्छी गेंदबाजी यहां पर चलती हुई बंटी खान द्वारा हालांकि उनका नाम जफरुद्दीन है और ये देखिए बंटी खान का पहला स्पेल सफल रहा था तीन रन इस ओवर में अब तक तीन यादव का बॉल उजवेसी की गोलंदाजाला पुन्हा एकदा टाकावा लागेल पण ती खानचं पहिले षटक कुणालचं ज्या पद्धतीचं राहिलं ना एखादा लेजचा पॅकेट घ्यावा तो उघडावा तो संपवावा त्याआधी त्याचं पहिले षडक संपुष्टात आलं किंवा दोन पहिले षटक जे राहिले हे केवळ सहा मिनिटामध्ये कम्प्लीट केलंय युपी योद्धासने चांगल्या दर्जाची गोलंदाजी देखील करतायत धावांसाठी झगडावं लागलं प्रतिस्पर्धी संघाला अकरावरती वरती एक आहे तिसरे षटक पुढचा बॉल यावेळेला देखील वेगाने रक्षकाचा वेध घेतोय कॉट बियांची अपील करण्यात आली आहे जिथे डॉट बॉल ये पाला तो है। अच्छा राय अब तक बंटी का ये भी ओवर कर रेट के हिसाब से अगर खेलती रहेगी टीम कोल्लापुर वॉरियर्स तो यहां से सत्ताईस रन बना पाएगी शायद उससे ज्यादा करने का प्रयास करना होगा जबकि ये तीसरा ओवर चलता हुआ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर ग्यारह रन नेल्सन फिगर ग्यारह पर एक

यावेळेचा बॉल कमी गतीने कमी उसळीचा यष्टी रक्षकाचा भेद घेत असताना पाहायला मिळाला काही चेंडू उजव्या बाहेर काही चेंडू शरीर भेदक मारा हा बॉल आपण पाहिला वळण घेत असताना कमी उसळीचा एसटी रक्षकाचा वेध घेतोय बाहुबली का, बाहु का कटप्पा और इस गेंदबाज का टप्पा दोनों का कोई मिलाफ नहीं ये देखिए गेंदबाजी अच्छी गेंदबाजी रही थी इस ओवर में महज पांच रन आठ रन दो ओवर में सफलता नहीं मिली बंटी खान को लेकिन स्कोर बोर्ड पर देखिए जो एकमात्र बल्लेबाज आउट हुआ है वो रनआउट के तौर पर ओमकार रन संख्या स्कोर बोर्ड पर महज बारह रन तीन ओवरों का खेल समाप्त आफ्टर थ्री ओवर बारह रन एक विकेट के नुकसान पर टीम कोल्हापुर वॉरियर्स पहले ओवर में बंटी खान के रन आए तीन दूसरे ओवर में शुभम यादव के रन आए चार बंटी खान के तीसरे ओवर में रन आए महज पांच तीन चार पांच गोलंदाजी या उच्च कोटीची यासारखी राहिली ना बंटी खान असेल त्याच वेळेला शुभम यादव असेल की फलंदाजांना धुंडो धुंडोरे सांगणारी हरवलेली वाट राहिली फलंदाजी करत असताना कोल्हापूर वॉरियर्स टीम साठी जिथे धावा आलेल्या नाही आहेत पहिल्या तीन षटकांमध्ये सहा षटकांची मॅच आहे पूर्वार्धामध्ये आपण पाहतोय ना पहिले तीन षटकांचा टप्पा इथे संपुष्टात आलाय आता इथून मोमेंटम शिफ्ट होण्यासाठी आवश्यक असतील ते मोठे स्ट्रोक ते कधी येतील हे पाहणंही अभिप्रेत राहणार आहे षटकार किंवा चौकार एकही आलेला नाही आहे या मॅच मध्ये अद्याप सुरुवातीला येत असताना ओंकारने तितकासा प्रभाव त्यानेही पाडू शकला नाही अगदी तो मैदानाच्या आतमध्ये त्याचा इम्पॅक्ट अगदी बॅटिंग वरती स्कोर कार्ड वरती पाडू शकलेला नव्हता परंतु मैदानाच्या आतमध्ये प्रत्येक सात बॉल चार वरती तो नॉट आउट खेळतोय संघासाठी महत्वाच्या असतील त्या धावा कधी येतील हे देखील पाहणं गरजेचं राहील येणाऱ्या कालावधीमधील स्पर्धा आपण पाहतोय अर्थात ग्रामीण धमाका बिग बॅश दोन हजार चोवीस मध्ये जिथे सोळा लाख पारितोषिक असणार आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहणार आहे भरघोस पारितोषिक असणारी स्पर्धा तेरा फेब्रुवारी ते अठरा फेब्रुवारीच्या दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळेल दोन हजार मध्ये आणखीन एक मोठा धमाका करण्यासाठी कोण मध्ये आज सेव्हन्टी सेव्हन्टी स्पोर्ट्स आणि धमाका यांच्या माध्यमातून होणारा हा धमाका आपल्याला पाहायला मिळेल तीन षटकांचा खेळ संपुष्टात आलाय बारा दाव फलका धावा धाव फलक्या आहेत एक खेळाडू बाद झालाय कोल्हापूर वॉरियर्स सध्या दगडीला बॅकफुट वरती आहे शुभम यादव मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजी मार्कवरती दाखवत असताना पाहायला मिळेल मेहताबजी खान यांच्या चेहऱ्यावरती आनंद निश्चित असेल पीयूजी श्रीवास्तव असेल ज्या पद्धतीने त्यांचा संघ मैदानाच्या आतमध्ये खेळतोय धावा दिलेला नाही आहेत किंबहुना अगदी धावांसाठी कष्ट उपसावे लागतील या मॅचच्या दरम्यान फलंदाजी करणारी टीम कोल्हापूर वॉरियर्स या संघाला कोलहापुर वॉरिर्स नक्रमक मे नहीं आमाका चेंड लॉन्ग परफेक्ट टाइमिंग ला एलिवेशन ठोकला हा दर्जेदार षटकार लगा तो सिक्स बंटी खान थे वहां पर खिलाड़ी ये देखिए सीधे बल्ले से खेल दिया था ऑन के ऊपर से खेलने का प्रयास बंटी का प्रयास लेकिन यहां पर असफलता असफल रहा उनका प्रयास गेंद लाइन के बाहर चली गई लेकिन शुभम थोड़े से नाराज यहां पर नजर आए उन्होंने कहा भी उन्हें कि आपके हाथों से लगकर यह गेंद गई है तो शायद यहां पर कैच होना जरूरी था यह अच्छा स्ट्रोक प्रतीक पाटिल के बल्ले से छह रन बिल्कुल दोनों हाथों के बीच में से गेंद चली गई वेउन ग्राउंड खेले क्षेत्र रक्षक चेंडुवर्ती मिला अगदी सुरुवातीला संयमाने आहे आणि तदनंतर आता स्थिर चावर झाल्यानंतर प्रतीकने आपले तेवर दाखवायला सुरुवात केली आहे त्याच्या बॅटमधून डाऊन ग्राउंड एक षटकार आलाय आणि तदनंतर या मॅचचा मोमेंटम शिफ्ट करण्याचा प्रयत्न करेल का प्रतीक जवदवर मैदानाच्या आतमध्ये उभा राहील त्यावर कारण आपण पाहिलं ना तर बंटी खानने ज्याचं त्याचा दोन षटकांचा स्पेल संपुष्टात आला त्याच्यावरती तितकेशी आक्रमण केले नाहीत संयमाने खेळले आता स्थिर विस्तावर झाल्यात चेंडू चांगल्या रीतीने साईड होऊ लागलाय आणि दर्जेदार बॅटिंग मैदानाच्या आतमध्ये चालू असलेली पाहायला मिळते आहे शुभम स्ट्राइक एंड वरती एंडला बॉल या वे खोला केला, एसी है। होता। कवर था। के तो है। एक दौर जरूर प्राप्त होता पहला है अच्छा स्क्वेर ड्राइव बल्लेबाज द्वारा सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया फिर से एक बार अपने अच्छे खिलाड़ियों को खिलाड़ी को स्ट्राइकिंग एंड पर लाए जिन्होंने अभी अभी छक्का जड़ा था बंटी खान के ऊपर से लौंग के ऊपर से उनके सामने शुभम यादव जबकि उनका ये पारी का दूसरा ओवर पारी का यह चौथा ओवर उनके स्पेल का दुसरा ओवर करते हुए शुभम यादव लखनऊ एक्सप्रेस प्रतिस्पर्ध्याने रणनीती आखल्यात आपणही आकारला हव्यात आणि त्याची एक पैलू आपण मैदानाच्या आतमध्ये शुभमच्या माध्यमातून पाहिल्या त्याने स्ट्राईक वरती पुन्हा एकदा पाचन केलं प्रतिकला आडव्या बॅटने ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न जिथे इम्प्रोवायझिंग करण्याचा प्रयत्न केला होता हा स्ट्रोक खेळत असताना ऑन साईडला रूम बनवला होता उजव्या बाहेर येऊन इस पेस के खिलाफ यह गलत स्ट्रोक का चयन मैं तो कहूंगा क्योंकि आप जब झुककर खेलने का प्रयास करोगे इस पेस के खिलाफ यह गलत स्ट्रोक है और ये यहां पर नजर आता हुआ प्रतीक पाटिल द्वारा यह बिंदी गेंद समाप्त चेंडू फ्रंट पुनः ड्राई केलाय लॉन्ग ऑफचा क्षेत्ररक्षक रक्षको है वेगा वर् रीति से स्ट्रोकू शकत नहीं परंतु सद्यालय परिस्थिति पहा था, था। धावा गोला करजे से जा रहा प्रतीक पटी जानते हैं रीति से स्ट्रोक तो खेलने का प्रयत्न करते है पिछली गेंद की तुलना में यह स्ट्रोक अच्छा था एक्स्ट्रा कवर ड्राइव यहां पर दिखाया फ्रंट फुट पर आकर एक बेहतरीन स्ट्रोक प्रतीक पटिल के बल्ले से सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए बल्लेबाज अब शुभम स्ट्राइकिंग एन पर रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 21 एक विकेट के नुकसान पर कोल्हापुर वॉरियर्स जबकि पारी का यह चौथा ओवर ये, ये आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज शुभम शुभम यादव यादव प्रगति करदव हा कट करण्याचा प्रयत्न रूम दिला आउट साईड बॅटरच्या बॅटच्या साह्याने धावा येताना पाहायला मिळालेला नाहीये हा चेंडू येतो तो निर्धाव स्वरूपाचा वेगाने टाकलेला हा चेंडू जिथे कट करण्याचा प्रयत्न बॉडीचं बॅलेन्स चांगलं बनलं नव्हतं चार षटकांचा केस संपुष्टात आला एकवीस ला एक गेंद टर का प्रयास था हाफ ट्रैकर जरूर थी लेकिन इस बार कंधे का अच्छा इस्तेमाल करते हुए गेंदबाजी चली शुभम यादव द्वारा जबकि चार ओवरों का खेल समाप्त तो यूपी योद्धास के खिलाफ कोल्लापुर वॉरियर्स खेलते हुए रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 21 प्रोजेक्टेड स्कोर अगर देखा जाए तो इस औसत से अगर बल्लेबाजी होती है तो 32 रन बनेंगे और शायद आठ की औसत से अगर बल्लेबाजी होगी तो 37 रन हो गए और छह की औसत से बल्लेबाजी अगर ये टीम करेगी तो यहां पर तैतीस रन बन सकते हैं टीम वॉरियर्स के अब गेंदबाज राहुल सोलंकी गेंदबाजी करेंगे राहुल सोलंकी गोलंदाजी मार्ग पर चार चटक संपुष्ट आने जिथे केवल एकवीस एक, एक खेलाड़ बात है जिथे को वॉरियर्सम बैकफुट वरती पाला है आणि या षटकामध्ये जिथे मोमेंटम शिफ्ट करण्यासाठी आवश्यक असेल ते मोठे फटके सुरुवात जशी झाली होती ना चौथ्या षटकाला असं वाटलं होतं पहिल्या बॉलवरती षटकार आला आहे इथून मोठे फटके पाहायला मिळतील जरूर परंतु तच कमबॅक कम बॅक शुभम यादवचं चा चांगलं राहिलं पहिल्या बॉलवरती त्याच्या बॅटमधून जिथे चांगल्या दर्जाचा षटकार येत असतानाही प्रतिक पाटीलची बॅट शांत ठेवली तो पुन्हा एकदा रेटवरती असणार आहे षडक क्रमांक पाचवं प्रगती पदावरती राहुल सज्ज होत असताना पाहायला मिळतोय राईट अंबा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेटने ने या वेळेचा बॉल डाऊन द ग्राउंड खेळ आहे ऑनचा लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक श... वेगाने चेंडू येत असताना चांगल्या दर्जाची फेकी पाक गोलंदाजी इतक्या चांगल्या दर्जाची होते है ना त्याहूनही अधिक चांगल्या दर्जाचे क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालंय मुझे लगता है अब अटैक करना होगा जबकि ये पांचवा ओवर चलता हुआ नौ विकटे हाथों में है टीम कोल्हापुर वॉरियर्स के और प्रतीक सेट हो चुके बारह गेंदों में तेरह रन ग्यारह गेंदों में छह रन शुभम के बल्ले से आए तो शायद अब यहां से आपको गेंद को लाइन के बाहर सैर कराना होगा राहुल जो मथुरा से यहां पर आए भिवंडी में आपका स्वागत है पहली गेंद अच्छे टप्पे पर बावीस लाइक यावेळेचा बॉल देखील डाऊन द ग्राउंड इथे पाहायला मिळालाय पान आडव्या बाटने चेंडू एकही मोठा शोक आलेला पाहायला मिळालेला नाहीये की म्हणून अगदी त्याच वेळेला ना फटके जे काही फलंदाजाने केले ते डाऊन द ग्राउंड पाहायला मिळाले अर्थात गोलंदाजी ज्या दाटणीची पाहायला मिळाली आहे क्षेत्रक्षण ज्या रीतीचा आहे ना त्या दर्जाची गोलंदाजी व्हायला हवी आणि त्याच रीतीने गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये होते निराश की अब्दक बल्ले रन ते विकेट के नुकसान पर पारी का पारी काही पाचवा चलता हुआ दो गेंदे डिलिव्हर कर चुके राहुल राहुल सोलंकी

यावेळेला देखील डाऊन ग्राउंड खेळायला ऑनचा क्षेत्रक्षक वेगाने येत असताना पाहायला मिळतो एक धाव वेगाने कम्प्लीट केली आहे दुहेरीचा प्रयत्न करण्यात आला आहे सेकंड रन देखील कंप्लीट होती कुणाल सर एकंदरीत पाहिलं ना पाचवं षटक प्रगतीपथावरती आणि बारा चेंडू निर्धाव स्वरूपाचे आलेत आणि केवळ आणि केवळ पाहायला मिळाला तो एक षटकार शुभम ने इस गेंद को रोका हालांकि उनके हाथों से गेद छिटकी ती से दो रन पर पुरे किए हैं कोल्हापूर वॉरियर्स आम्ही आपलं लक्ष वेधू संपूर्ण संघ आपल्याला डगआउट आहे आणि त्या डगआउट मध्येच आपण बसणं गरजेचं राहील यावेळेचा बॉल अगदी उज्जसीच्या बाहेर होता स्क्वेअर ड्राईव्ह करण्यासाठी हा स्ट्रोक जिथे प्रवृत्त केलं होतं बॅटर्सला एकेरी धाव प्राप्त होत असताना पाहायला मिळाले अर्थात राहुलने या षटकामध्येही आपण पाहिलं ना तर, तर पुल हुक आणि अशा रीतीचे श्रोक पाहायला मिळालेले नाही आहेत कुणाल सर एकंदरीत या षटकामध्ये किंबोना या मॅच मध्ये पुल हुक आप तब लगाते हो जब आपके सामने पटकी हुई गेंदे आती ये राहुल सोलंकी आगे रखने का प्रयास करते हुए नजर आए ड्राइविंग लेंथ पर गेंदबाजी चली इसी के चलते इस ओवर में वो शॉट हमें नजर नहीं आए, बॉल सेटिक लेंथ लाइन आएंगी यू मिस आई डेफिनेटली हिट क्या तो दूसरा बात इस तरह की गेंदबाजी पर कौन करेगा पुल हुक? क्यों बन भाई <laughs> क्या गेंदबाजी रही है परफेक्ट क्यूर कर स्विंगिंग यॉर्कर सीधे जाकर टकराई विकटो से और आउट होकर की तरफ जाते हुए बल्लेबाज शुभम जबकि उन्होंने तेरह गेंदों में महज सात रन बनाए क्या यॉर्कर था परफेक्ट यॉर्कर स्विंगिंग यॉर्कर टो क्रशिंग यॉर्कर यहां पर डिलीवर करते हुए आखिरी गेंद पर देखिए ऑप्स्टम पर जाकर यह गेंद टकराई राहुल को यहां पर सफलता मिलती हुई जबकि दूसरा झटका लगता हुआ कोल्हापुर वॉरियर्स को पाच ओव्हर का खेल समाप्त कोल्हापूर वॉरियर्स पर स्पर्धो सव्वीस धावा धाव पलकावरती पाहायला मिळाल्या केवळ आणि केवळ दत्ता पाटील नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना पाहायला मिळाला केवळ पुल आणि हुकस नव्हे तर स्लॉक स्वीप कट या रीतीचे स्ट्रोक या मॅचमध्ये मध्ये पाहायला मिळालेल्या नाही गोलंदाजी त्या उच्च दर्जाची पाहायला मिळाली अर्थात वरचा क्लास आपण या गोलंदाजीतला पाहिला प्रत्येक चेंडू वेगाने तोही उज्जैसीच्या बाहेर आणि अगदी फुलरलेन चे बॉल जास्तीचा वापर क्रीजचा करत असताना पाहायला मिळालेत गोलंदाज वाईट यॉर्क चांगल्या रीतीने हात आले चेंडू वळवण्यामध्ये सक्षम राहिले हाफ ट्रॅकर बॉल जास्तीचे आले नाहीत आणि म्हणून की काय जिथे एकंदरीत पाहिलं ना तर केवळ सव्वीस धावा आहेत पाच छटक्यांचा खेळ संपुष्ट झालाय दोन खेळाडू बाद झाल्यात युपी योद्धास आक्रमकता त्यांच्याकडे ठासून भरलेली कोल्हापूर वॉरियर्स टीमच्या अगेन्स्ट धावांसाठी प्रत्येक धावांसाठी लढावं लागणाऱ्या मैदानाच्या आतमध्ये अजून उभा मैदानाच्या आतमध्ये तिसऱ्या क्रमांकासाठी आलेला बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय प्रतीक पाटीलला तो स्ट्राईकर एंड वरती आहे हँडर बॅटर या वेळेला कशा डाटणी हे षटक पाहायला मिळणार आहे पुढचा बॉल उजव्या यशच्या बाहेर बॅटची आउट एज घेतली आहे क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी एकेरी धाव इथे प्राप्त होत असताना पाहायला मिळेल एकेरीच्या मदतीने संघाची धाव संख्या सत्तावीस हर्ष यादव गेंदबाजी पर जबकि ये आखिरी ओवर में गेंदबाजी करेंगे डेथ ओवर में हर्ष यादव गोलंदाजी करतेमरा सड़की एक्शन है शैली है, है हाफ ट्रैकर बॉल टॉप ऑफ दी बाउंस आए बैकफूटला एक्सट्रा कवर लिर्दावी प्राप्त होता दत्ता बैट मधुन पहायती है भी दावफल का पहला मिला अच्छा बैकफुट पंच दत्ता द्वारा सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया दत्ता पाटिल का यहां पर खाता खुलता हुआ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 28 दो विकेट के नुकसान पर कोल्हापुर वॉरियर्स थोड़ा सा निराश किया आज बल्लेबाजों ने कोल्हापुर वॉरियर्स के हालांकि यहां पर वॉर होगा ऐसे हमें नजर आया था लेकिन अब तक पलड़ा भारी है यूपी योद्धाज का यावेळेला प्रॉपर टायमिंग झाली ऑन साइड ला, ला हा स्ट्रोक विकेटला क्षेत्रक्षक आला होता ऑन होऊन तद्वर मात्र धाबा अर्जित करण्यात येत असताना पाहायला मिळाले ते एकंदरीत दोन चांगल्या दर्जाची रनिटुंड विकेट पाहायला मिळाले एफर्ट चांगले होते क्षेत्रक्षकाचे त्याच्या बाहेरचा हा झेल राहिला एफर्ट चांगले पाहायला मिळाले लॉंगॉनसे दौड कर आय ते विशाल यादव पर काउ कॉर्नर की तरफ और वहां पर आगे गिरी उनसे लेकिन अच्छा प्रयास था विशाल यादव का पर दो रन बटोरे बल्लेबाज प्रतीक ने उनकी रन संख्या 19 टीम यहां पर पहुंचती हुई तीस रनों पर तीस ला ना कमिटमेंट वेगा नहीं है सतत्य राख लेगा करता ना पिछला पैर देखिए कहा है बल्लेबाज का फुटवर्क का अभाव यहां पर नजर आया बल्लेबाजी में प्रतीक पाटिल के 18 गेंदों में महज रन बनाए उन्नीस छटा ओव्हर पर चलता हुआ अब दो गेंदेशेष संख्या कोल्हापूर वॉरियर्स तीस रन दो विकेट की पूरा धडकी भरणारी गोलंदाजी केली आहे पाय चालू दिले नाही आहेत बॅटरचे चांगल्या दर्जाची गोलंदाजी आहे पुढचा बॉल पुन्हा एकदा वेगाने टाकलेला हा चेंडू शरीर भेदक मारा होता रूम दिलेला नाहीयेत सातत्य राखलंय सातत्यपूर्ण चांगल्या दर्जाची कामगिरी होत असताना मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाली हा बॉल देखील एकेरी धाव देऊन जाईल शॉर्ट मिडविकेट क्षेत्रामधून दाव फलक्यावरती धावा एकरीच्या मदतीने पुढे सरकत असताना केवळ धावा धावफलकावरती आहेत त्या एक तीस शेवटच्या षडक प्रगतीपथावरती आहे धावांसाठी कासावीस केलं या गोलंदाजांनी फलंदाजांना किंबहुना वेगाने गोलंदाजी करत असताना मोठे फटके पाहायला मिळाले नाहीत केवळ आणि केवळ एक षटकार वगळता चौकार अद्याप पाहायला मिळालेला नाहीये हा बॉल देखील वेगाने एसटी रक्षकाचा भेद घेतोय अपील करण्यात आली आहे डॉट बॉल येत असताना पाहायला मिळालाय पूर्वार्धाचा खेळ ते संपलाय एकतीस जाबा धावफलकावरती भरती आहेत बत्तीसचा असेल त्या मॅचमध्ये टार्गेट कुणाल सर पूर्वार्धाचा खेळ संपला एकतीस ला दोन पाहायला मिळाल्यात काय गोलंदाजी झाली आहे ती युपी योद्धाच्या माध्यमातून बेहतरीन गेंदबाजी यूपी योद्धा द्वारा जबकि बंटी खान दो ओवर महज आठ रन शुभम यादव दो ओवर पहिले हम बॅटिंग कार्ड पर नजर डालेंगे ओमकार बिल्लारे एक रन शुभम सात रन प्रतीक पाटील इनके तो पैर ही नहीं चले इस मुकाबले में उन्नीस गेंदों में महज बीस रन दत्ता पाटिल दो गेंद एक रन दो एक्स्ट्रा आए इस पूरी पारी में रन संख्या इकतीस अब देखेंगे बोलिंग कार्ड गेंदबाजों ने क्या बढ़िया यहां पर प्रदर्शन किया है बंटी खान दो ओवर आठ रन हालांकि उन्हें विकेट नहीं मिला इस मुकाबले में हर्ष कुमार यादव एक ओवर जो कि आखिरी ओवर किया था हर्ष कुमार यादव ने बुमराह ऑफ यूपी पांच ओवर में राहुल सोलंकी क्या तेज गेंदबाजी रही थी राहुल सोलंकी द्वारा एंड से एक विकेट उनके खाते में महज पांच रन शुभम यादव दो ओवर तेरह रन छह दशमलव पांच शून्य की औसत फॉलोअप विकेट अगर देखेंगे तो एक रनों पर दो रनों पर पहला विकेट खोया था लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई छत्तीस गेंदों में अब रन बनाने बत्तीस जीत के लिए यूपी योद्धाज को कोल्हापुर वॉरियर्स के खिलाफ और यह हाईलाइट शायद यहां पर दिखाते हुए सेवेंटी सेवन स्पोर्ट्स क्योंकि गेंदबाजी क्या बढ़िया रही थी इस टीम की गेंदबाज बंटी खान शुभम यादव राहुल सोलंकी एंड हर्ष यादव ये बंटी खान का ओवर यहां पर दिखाते हुए सेवेंटी सेवनटी स्पोर्ट्स और बंटी खान की खासियत रही थी रूम नहीं दिया बल्लेबाजों को आगे रखने का प्रयास किया था इस गेंदबाज ने हालांकि इस इनिंग में शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल काफी कम हुआ उसी के चलते पुल शॉट हुक शॉट हमें कम नजर आए कोल्हापुर वॉरियर्स के बल्लेबाजों द्वारा और यहां पर पहला सत्र समाप्त होता हुआ संख्या स्कोर बोर्ड पर पहले पारी के समाप्त होने के बाद थर्टी वन इकतीस रन बनाने हैं जीत के लिए थर्टी टू बत्तीस जब बल्लेबाजी करने उतरेगी टीम यूपी योद्धा चलो बल्लेबाज यूपी उदास, आपको बल्लेबाज प्रारंभिक बल्लेबाज आपको ग्राउंड के अंदर भेजना है यूपी योद्धास कप्तान आपको बल्लेबाज जल्द से जल्द ग्राउंड में भेजना है स्वागत है सर्वांस पुनः एकदा धमाका बिग बैश अंडर 24 फोर चैंपियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर मध्य लक्ष्य बत्तीस धामां से थर्टी टू इज द टारगेट एक छोटा सा लक्ष्य नजर आता हुआ सामने यूपी योद्धाज के मोहम्मद बासिक स्ट्राइकिंग एंड पर और उनके साथ अमन यादव टीम का कैप्टन अमन यादव नॉन स्ट्राइकिंग एंड ला मोहम्मद बासिक स्ट्राइकिंग एंड ला लक्ष्य या मैच मध्य थर्टी टू कॉमेंट्री बॉक्स मध्य चंदू शेटे हे देखी जोड़ गए सहर्ष स्वागत तुम्हें पहाते धमाका बिग बैश ट्वेंटी फोर चैम्पियनशिप टू फर्स्ट बॉल आशुतोष पहिलाच बॉल चांगला बाउन्स सरळ गेला बॉल विकेटकीपरच्या हातात गुड स्पॉट स्पॉटवरून उसळी घेत असताना काफी बेहतरीन गेंद देखने मिली कुणाल जी यहाँ देखिए हालांकि लक्ष्य बडा नहीं है तीर्थ सिर्फ थर्टी टू रन बनाने है मगर यहाँ कोल्हापूर की टीम भी काफी दूर से आई है अच्छे अच्छे खिलाडी उनके पास भी है मगर आशुतोष ने पहिली गेंद बेहतरीन की है यहाँ चांगला टप्पा आशुतोषचा पहिलाच बॉल चांगलाच उसळलाय विशेष म्हणजेच मोहम्मद बासिकला बीट बाहर रखा था इस गेंद को बैक फुट पर जाकर पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे मगर इस गेंद में आशुतोष के रफ्तार भी ज्यादा थी और इसी के कारण और एक बिंदी गेंद यहां आती हुई कोल्लापुर टीम भी यहां संघर्ष करना जानती है और बैक टू बैक दो गेंदे बिंदी की उन्होंने सुपर राहील का तर नाही असे दिसते चित्र कारण 32 धावांचं लक्ष्य आहे तरी देखील संघर्ष करतो आशुतोष पहिले दोन डॉट बॉल आता बॅकफुटला जात असताना कट केला आहे ऑफ पॉइंट इथे सिंगल कंप्लीट केली जाईल बासिकचं खाते उघडलं जाते तीन बॉलच्या समाप्तीनंतर यूपी योद्धाज एक रन कुणाल जी हे सभी खेळाडूं हो के लिए एक न, नया मौका है क्योंकि अंडर ट्वेंटी फोर शायद बहुत सारे खिलाड़ी आ, पहली बार एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए नजर यहां आएंगे और एक दूसरे के बारे में जानकारी भी शायद नहीं होगी किस तरह के गेंदबाज है किस तरह के बल्लेबाज है किसी को कुछ मालूम नहीं है मगर मजा आएगा इस टूर्नामेंट में जिस तरह से हमने देखा है अब तक दूसरा दिन मगर काफी बेहतरीन क्रिकेट देखने मिला एक रन तीन बॉल सा खेल संपला लेफ्टी बैटर अमन यादव टीम के कप्तान कैप्टन कैप्टनता फलंदाजी सा फुलर लेन का बॉल वाइड यॉर्कर ऐसी प्रयत्न परफेक्ट यॉर्कर विकेटकीपर कीपर चाहता सिर्फ बत्तीस रनों का पीछा करना है यहाँ टीम यूपी योद्धा को मगर जिस तरह से गेंदबाजी की शुरुआत की है कोल्हापुर ने कोल्हापुर वॉरियर्स ने सराहना करनी होगी रफ्तार ज्यादा है और उसी के साथ लाइन और लेन भी रखी है आशुतोष जो टीम के कप्तान भी है चार बॉल नंतर एक रन सरल डाउन ग्राउंड स्ट्रेट बॉल जाए सीमा पार ये तो है सेवन सेवेंटी सिक्स लगा तो छे। इस बार काफी बढ़िया या देखने मिला देखिए खूब अच्छा काफी बेहतरीन टाइमिंग देखने मिला सीधे बल्ले से सामने की दिशा में छह रनों के लिए भेज दिया हवाई यात्रा के लिए इस गेंद को और एक अच्छी शुरुआत दिया कुछ गेंद बिंदी आई मगर उसके बाद ये स्ट्रोक काफी बेहतरीन था चांगला प्रयत्न केला आमच्या ने तिथे बॉल अडवण्याचा तसं पाहिलं तर ते प्रेक्षकांना अडवतात फुलर लेनचा बॉल होता ड्राईव्ह केलाय शॉर्ट कव्हरला चिकी सिंगल इथे कम्प्लीट करत असताना अमन सिंगल नंतर टीमची धावसंख्या फर्स्ट ओव्हरचा खेळ संपतोय एट विदाउट लॉस यूपी बीओ थर्टी टू रन बनाने हैं देखिए पहले पारी में अगर देखा जाए तो कोल्हापुर की जो बैटिंग है प्रतीक पाटिल के अलावा ज्यादा कुछ खास नहीं कर सके सभी बल्लेबाज और उसी के कारण सिर्फ थर्टी वन रन बने थर्टी टू का पीछा करना है मगर पीछा करते वक्त आशुतोष की शुरुआत अच्छी रही थी कुछ गेंदे उन्होंने बिंदी की मगर एक जो बड़ा स्ट्रोक आया और उसी के कारण जो रिक्वायर रन रेट था वो यहाँ हासिल कर दिया है पहले ओवर में आठ रन बने हैं मक सा शॉट या ओवर सा फॉलो थ्रुप बैट सा नजर पहा बैटर ची बॉल जिथे चाललाय बॅटर आहे अमन यादव त्याची नजर त्याच्यापर्यंत होती आणि काय टेलिकास्ट आहे सेव्हन्टी सेव्हन्टी स्पोर्ट्सचं ज्यावेळेला ज्या गोष्टी आपण चर्चा करतो ज्या गोष्टी ज्यावेळेला टेलिकास्ट करणारी टीम ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर आपल्यापर्यंत पोहोचवतात त्यावेळेला कॉमेंट्री करायला मजा येते हाय बॅकलिफ फॉलो थ्रू बॅट पासून बॉल निघत असताना बॉलवरची ठेवलेली नजर डोकं भरपूर स्थिर होतं आणि एक चांगला षटकार फर्स्ट ओव्हरचा खेळ समाप्त फर्स्ट ओव्हरच्या समाप्तीनंतर आठ रन सेकंड मध्ये अजय बॉलिंग मार्कवर अजय ज्वेकर सेकंड मध्ये बॉलिंग करण्यासाठी सज्ज होईल फुलर लेनचा बॉल बोल बॅक ड्राईव्ह मिड ऑफ इयर सर्कलच्या आतमध्ये आहे धाव मिळताना दिसणार नाही डॉट बॉल अजय ने भी अच्छी शुरुआत की है कुणाल जी देखिए पहली गेंद जड़ में की और किसी तरह का मौका नहीं दिया बल्लेबाज को यहाँ बिंदी गेंद से शुरुआत इनकी भी रही है हालांकि रन जरूरी यहाँ सिर्फ थर्टी टू बनाने हैं मगर कोशिश करनी चाहिए और इसी तरह से कुछ बिंदी गेंदे आई तो दबाव क्रिएट कर सकते हैं बल्लेबाज के ऊपर विकेट घ्याव्या लागतील ला। दबाव तुम्ही फक्त डॉट बॉलने टाकू शकत नाही तर युपी योद्धाच्या विकेट जर घेतल्या तर दबाव बनेल या टीमवर इथे एक सिंगल येते अजयच्या दुसऱ्या ओव्हरमध्ये ही पहिली धाव टीमची धाव संख्या नऊ मोहम्मद बासिक आणि अमन यादव ओपनिंग बॅटर एक रनवर मोहम्मद बासिक आणि अमन यादव आठ रनवर एक षटकार त्याने मारलाय अजय स्वेकर, ओवर नंबर सेकेंड मे पावर प्ले मध्य गोलंदाजी करता फुलर लेन बॉल होता ड्राइव चांगला खेला मिड ऑफ थोड़ा सा वाइडला बरबर खेला है, है मोहम्मद बासिक डॉट बॉल अच्छी गेंदबाजी देखने मिल रही है देखिए नौ रन जिस तरह से आपने कहा कि विकेट भी जरूरी है डॉट बॉल के साथ विकेट अगर शुरू में आते हैं तो मजा आएगा मैच में स्टेप स्टेपउट कर प्रयत्न लवकर हेरल अजय ने बॉल बरबर टप्प्यापर कल का दिन अगर देखा जाए तो बड़े बड़े स्कोर बने थे मगर आज गेंदबाजों ने काफी अच्छा किया पहली पहले मैच में भी गेंदबाजों ने काफी अच्छा गेंदबाजी की मगर इस मैच में रफ्तार दोनों टीम की तरफ से देखने मिली कुणाल जी और इस पारी में भी अजय काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे चेंज ऑफ पेस पिकअप शॉट बॉल फेकले बाउंड्री मोहम्मद सेवेंटी सेवेंटी सिक्स लेटकार अब अमन के बाद मोहम्मद के बल्ले से भी आता हुआ एक बड़ा हिट यहां देखने मिला और जो लक्ष्य है 32 का उसकी ओर जाती हुई यह टीम यूपी और दास पंद्रह रन तो बन चुके हैं बिना कोई विकेट खोए जबकि सिर्फ दूसरा ओर प्रगति पर है मोहम्मद बॅट मधून राजा आणखीन एक वेळा चेंज ऑफ पेस आणि पुन्हा एकदा चांगला फटका इथे सजवत असताना षटकारानंतर हाय बॉल जातोय बाउंड्रीलांच्या बाहेर चौकार दो दो ओवर का खेल खत्म हो चुका है शुरू में थोड़ा सा दबाव बनाया मगर उसके बाद मोहम्मद और अमन दोनों ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की और देखते देखते ये स्कोर हो चुका है दो ओवर के समाप्ति के बाद 19 रन बन चुके हैं अभी सिर्फ इस मैच को जीतने के लिए चार ओवर में सिर्फ तेरह रनों की जरूरत सोप वाट्यात है समीकरण यूपी योद्धा सा कोल्हापुर वॉरियर्स विरुद्ध खेलाना दोन ओवर का खेल संपला विदाउट लॉस उन्नीस रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर यूपी योद्धाज आफ्टर टू ओवर ओवर नंबर तीन गेंदबाजी पर आशुतोष स्पेल आंबोटकरेलमध्ये त्याच्या बोलिंग करताना दिसेल आणि पॅविन कडून मुख्य व्यासपीठ कडून गोलंदाजी सुरू राहील एकोणीस धावा झाल्यात दोन्ही बॅटरने एक एक षटकार मारलाय अमन बासिक मोहम्मद बासिक दोन्ही बॅटरच्या बॅटमधून एक एक षटकार आलाय आशुतोष स्ट्रेट हिट वड शॉट बॉल चाललाय सळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर डाऊन दी ग्राउंड बॅक टू बॅक हा त्याच्या बॅट मधून आलेला चांगला फटका षटकार और एक बेहतरीन स्ट्रोक या देखने मिला देखिए गेंद थोड़ी आगे की थी रडार में थी और सीधा बल्ले से खेल दिया सामने की दिशा में यूपी योद्धा के लिए और एक बड़ा हिट यहां आता हुआ अब लक्ष्य थोड़ा सा आसान नजर आता हुआ यूपी योद्धा के लिए कप्तान चले सीनाथान स्ट्रेट हिट चेंज ऑफ पेस खेल दिया इस गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ वहां पर खिलाड़ी एक हाथ से रोका गया सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया सिंगल के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 26. 26. सिक्स ट्वेंटी सिक्स सव्वीस रन बॅटच्या थोडसा टो इंडला लागलाय ला बॉल ऑन आहे मध्ये करा फिल्डिंग दबाव बॉल सीमा पार चौकार अब जीत के लिए महज दो रन अभी यहां कोल्लापुर टीम भी बहुत दूर से आई है अच्छा क्रिकेट उन्हें भी खेलना होगा और आ, अभी भी मौका उनके पास है ये लीग मैच है और आ, इसके बाद कुछ अच्छा करने की कोशिश भी करनी होगी मगर इस बार देखिए अंदर की तरफ आती हुई गेंद बॉल टॉस साथ ऐसे माइटी मुंबई यहां मैच मतलब विजेता संघ लगे टॉस साठी आई थिंक ऑलमोस्ट डन है यूपी योद्धाज कप्तान आएंगे टॉस के लिए अमन यादव पंद्रह रनों की पारी अब तक खेल चुके अमन यादव यह हमारा कमेंट्री बॉक्स चंदू शेटे इनको दिखाया जा रहा है और उनके बिल्कुल बगल में हमारे स्कोर फ्लिक ऑफ द रिस्ट अ शॉर्ट शॉर्ट ऑफ द इवनिंग बासिक मोहम्मद के बल्ले से आता हुआ यह छक्का और इस छक्के चलते यह मैच समाप्त वेल्प टीम यूपी योद्धाज कांग्रेचुलेशन टॉस के लिए आना है कप्तान माइटी मुंबई एंड यूपी योद्धाज अमन आइए टॉस के लिए और मैन ऑफ द मैच का किताब यहां पर दिया जाएगा मैच समरी प्रतीक पाटिल 20 रन पहले पारी में शुभम सात ओमकार बिल्लारे एक दत्ता पाटिल एक रन जब रन चेस करने उतरी टीम मोहम्मद बासिक 21 रन अमन यादव 15 रन और इस मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज जफरुद्दीन बंटी खान मैन ऑफ द मैच के विजेता खिलाड़ी